Now next questions, why character array is better than a string for storing passwords in Java? Means Java के केस में entry level पर एक और आपके लिए काफी interesting questions है. Generally suppose अगर आपको किसी particular user से related अगर password information store करना है, password आपके लिए strings के form में store करना possible. लेकिन suggested क्या रहता है always storing password in the form of character array, not a string. Reason why? अगर suppose अगर password information आप सिंपली स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में स्टोर करा दो, लाइक दैट स्ट्रिंग पासवर्ड pwd इक्वल्स टू सम पासवर्ड इंफॉर्मेशन एज एबीसी, देन इस पर्टिकुलर केस में एबीसी का स्ट्रिंग और पासवर्ड इंफॉर्मेशन इंटरनली स्टोर किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल मेमोरी और मे बी इनसाइड हीप मेमोरी. कंटेंट्स मैंने आसान किया जाए एबीसी. करेंटली कंटेंट्स पॉइंट किसके थ्रू हो रहे हैं, रेफरेंस वेरिएबल पीडब्ल्यूडी. बट सपोज दैट इन फ्यूचर अगर आप पासवर्ड इन्फॉर्मेशन में कोई भी चेंजेस कर दे या न्यू पासवर्ड असाइन कर दे, तो इस केस में क्रिएट किया फोर एग्जांपल्स लाइक दैट. आफ्टर सम स्टेटमेंट पासवर्ड इक्वल्स टू 123, अगर आप न्यू पासवर्ड असाइन करोगे तो इस केस में सेम रेफरेंस वेरिएबल मीन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट में चेंजेस होंगे या पासवर्ड को स्टोर करने के लिए अगेन न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा. इस केस में कंप्लीटली न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा. देन स्ट्रिंग करेंटली क्रिएट किस फॉर्म एज अ ऑब्जेक्ट्स. अब अगर आप मीन अगर प्रीवियस पासवर्ड इन्फॉर्मेशन की बात करें, प्रीवियस पासवर्ड इन्फॉर्मेशन अभी मेमोरी में तो एग्जिस्ट कर रहा है जब तक गार्बेज कलेक्शन इसको कलेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन आपके लिए एक्सेस करना पॉसिबल नॉट पॉसिबल. लेकिन पॉइंटर्स ऑपरेशन या किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन के थ्रू एग्जिस्टिंग पासवर्ड इन्फॉर्मेशन किसी भी पर्टिकुलर हैकर पर्सन के थ्रू रीड डाउन करना पॉसिबल. अगर सपोज दैट सेम केसेस में इसमें रीड डाउन करने की बात करो, आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस लॉजिक्स, इन लॉजिक्स के एग्जीक्यूट होने के जस्ट बाद पर्टिकुलर रेफरेंस वैल्यू तो फिनिश हो जाएगा, लेकिन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स अभी मेमोरी के अंदर कैसे हैं, एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट और नॉन एग्जिस्टिंग. एग्जिस्टिंग में से इनका एग्जिस्टेंस कब तक है, जब तक गार्बेज कलेक्शन के थ्रू इनको फ्री नहीं किया जाता है. बट सपोज दैट इससे पहले अगर किसी हैकर पर्सन के थ्रू इसको एक्सेस करना पॉसिबल है यूजिंग सम स्पेशल ऑपरेशन, इस स्पेशल ऑपरेशन से अगर कोई भी पर्सन वन बाय वन मेमोरी के सारे बाइट्स ट्रेस करा, देन उसमें से मीन्स फाइंड आउट क्या होगा, सम पासवर्ड इन्फॉर्मेशन लाइक दैट. बिकॉज आपके लिए मैनुअली इन ऑब्जेक्ट्स को रिमूव करना पॉसिबल नहीं. सेम अगर आप कोई चेंजेस परफॉर्म कर दे, चेंजेस के केसेस में अगेन ओल्ड ऑब्जेक्ट्स को आपके लिए मैनुअली चेंज करना पॉसिबल नहीं हुआ. बट सपोज दैट अगर सेम इन्फॉर्मेशन आप कैरेक्टर एरे के फॉर्म में स्टोर करा दो, लाइक दैट कैरेक्टर एरे पीडब्ल्यूडी इक्वल्स टू कैरेक्टर एरे की केस में सेम कैरेक्टर्स असाइन कैसे कराएंगे, वन बाय वन लाइक दैट ए देन बी देन सी. इस प्रीवियस केस में स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स में चेंजेस करना पॉसिबल नहीं था, लेकिन करेंटली सेम इन्फॉर्मेशन स्टोर किस फॉर्म होगा, एज अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट और एज अ एरे ऑब्जेक्ट्स, एज अ एरे ऑब्जेक्ट्स प्लस इस एरे के अंदर थ्री कैरेक्टर्स क्रिएट हो जाए. फर्स्ट केस में साइन लाइक ए बी सी प्लस इसको पॉइंट कौन करा, करेंटली रेफरेंस वेरिएबल पीडब्ल्यूडी प्लस एक्स्ट्रा मेमोरी क्रिएट हो गया जाए लेंथ समथिंग, डजंट मैटर लेंथ क्या करेंटली थ्री, एड्रेस समथिंग 100. अगर इस एरे के रिस्पेक्ट में बात करें, एरे के अंदर स्ट्रिंग के सॉरी इस पर्टिकुलर एरे के किसी भी पर्टिकुलर स्पेशल कैरेक्टर्स को आपके लिए ईजिली मॉडिफाई करना पॉसिबल लाइक दैट. अगर आप किसी भी आइथ पोजिशन वाले कैरेक्टर्स को चेंज कर दे और न्यू कैरेक्टर असाइन कर दो, फॉर एग्जांपल्स इंडेक्स वैल्यू पास करने जाए वन प्लस इस प्लेस पर मैंने असाइन कराया जाए स्मॉल बी, इस केस में मिस एग्जैक्ट चेंजेस परफॉर्म करना पॉसिबल. मिस इस केस में कोई न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है नहीं. वन मोर थिंग्स, सपोज दैट आप इस पर्टिकुलर लोकेशन को कंप्लीटली यूज कर चुके हो, देन अभी भी एरे के केस में भी क्या अगेन ऑब्जेक्ट्स इन ऑब्जेक्ट्स को अगेन फ्री करना पॉसिबल है. लेकिन इस केस में इस पर्टिकुलर एरे ऑब्जेक्ट को यूज करने के बाद और एक्सेस करने के जस्ट बाद आपके लिए इसे एरे को अगेन जीरो से इनिशियलाइज करना पॉसिबल. मीन्स सपोज दैट सभी प्लेसेस पर मैंने रीअसाइन क्या कर दिया एज अ जीरो लाइक दैट. अगर आप इस केस में मीन्स इंफॉर्मेशन को चेंजेस कर दो, एनक्रिप्ट कर दो, मीन्स कैरेक्टर एरे के केसेस में पासवर्ड इन्फॉर्मेशन को एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करना पॉसिबल. लेकिन स्ट्रिंग के केस में आपके लिए जब भी आप एनक्रिप्शन ऑपरेशन परफॉर्म करो, इस केस में एनक्रिप्शन के रिस्पेक्ट में एवरी टाइम न्यू अपडेट क्रिएट हो. मीन्स इस केस में इन केस ऑफ एनक्रिप्शन आपके पास ओल्ड इन्फॉर्मेशन से एक्चुअल पासवर्ड भी अभी मेमोरी में एग्जिस्ट करा प्लस न्यू पासवर्ड एनक्रिप्शन के फॉर्म में भी अवेलेबल. मीन्स दोनों ही पासवर्ड एग्जैक्ट है, मीन्स एग्जैक्ट मैनर्स में अवेलेबल है. जबकि एरे के केस में आपके लिए पासवर्ड इन्फॉर्मेशन एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करना पॉसिबल. दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कैरेक्टर एरे. वन मोर थिंग्स, अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन या पासवर्ड इन्फॉर्मेशन फर्स्ट केस में अवेलेबल किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, सेकेंड केस में अवेलेबल किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ पासवर्ड. इसको मैं नेम असाइन कराया जाए पीडब्ल्यूडी वन एंड पीडब्ल्यूडी टू लाइक दैट.
इस फर्स्ट केस में अगर किसी भी पर्सन के थ्रू पासवर्ड को डायरेक्टली डिस्प्ले कराना पड़ लाइक दैट PWD1 बाय यूजिंग system.out.println. PWD1 के केस में कंटेंट्स क्या है, ABC. सिंपली आउटपुट में क्या डिस्प्ले हो जाएगा, एज अ डायरेक्टली ABC. लेकिन अगर सेम सेकेंड केस में बात करूँ इन केस ऑफ कैरेक्टर एरे के केस में अगर आप सेम इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कराने के लिए ट्राई करोगे तो इस केस में क्या डिस्प्ले हो जाएगा, सम एनक्रिप्टेड एरे लाइक दैट और सम इंफॉर्मेशन. मीन्स जब भी किसी क्रमी से इस केस में सिंपली PWD2 कंसीडर और पासवर्ड 2 कंसीडर हो गया सिंपली रेफरेंस वेरिएबल. जावा के अंदर किसी भी रेफरेंस को जब println में पास करते हैं डिस्प्ले क्या था, क्लास नेम @ हैश कोड सम डुप्लीकेट एड्रेस. मीन्स फर्स्ट केस में डायरेक्टली यूजर को क्या मिला है, ओरिजिनल कंटेंट्स. लेकिन सेकेंड केस में कहीं भी ओरिजिनल कंटेंट्स को ऐड हो रहा है क्या, नहीं. मीन्स सेमी से एरे के केसेस में कंटेंट से डायरेक्टली एक्सेस करना पॉसिबल, जबकि स्ट्रिंग की केस में कंटेंट डायरेक्टली एक्सेस करना पॉसिबल. इस टाइप से कई सारे रीजन हैं जिसकी वजह से जावा के अंदर पासवर्ड्स को स्टोर करने के लिए रिकमेंडेड केस क्या है, गो थ्रू स्ट्रिंग और गो थ्रू एरे. इट इज अ बेटर आइडिया स्टोरिंग पासवर्ड इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ एरे ऑफ कैरेक्टर्स.